अरे चुप रहोगे गधों। सबसे बड़ा विलेन जो है जे बानोची आई चलो भाई यार विमल का दोस्त है। सही है यार। क्या क्या फूड के साथ में क्या है? हेलो फ्रेंड्स, अरे चुप रहोगे गधों। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम मूवी देखने जा रहे हैं और पुष्पा मूवी देखने जा रहे हैं। आफ्टर उसके आने के बाद में भी हम थोड़ा सा आपको रिव्यू देंगे कि कैसा है। हालांकि रिव्यू आपको बहुत सारा मिल गया होगा, लेकिन उसके उसके लिए नहीं, बस एक ब्लॉग के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये जो है ब्लॉग हम बना रहे हैं, जो मेरे साथ जो तीन मित्र हैं मेरे, वो कभी मतलब यहाँ लखनऊ में या कहीं मूवी टॉकीज में नहीं देखे हैं। समझ सकते हैं ना, टॉकीज सिनेमा हॉल में कहीं मूवी नहीं देखे हैं। तो आज जो एक्सपीरियंस उनके साथ होने वाला, बिल्कुल ऑसम सा होने वाला है। और उन तीनों लोगों से आपको मिला दूं कि सबसे बड़ा विलेन जो है ये देख सकते हैं, विमल मिश्रा नाम है, ये मिश्रा जी हैं। और जस्ट देखिए, एक और ही मेरे मित्र हैं, इनका नाम मैं जानता नहीं हूं। क्या नाम है आपका भाई साहब? इमरान हाशमी, साक्षात यहीं पे है। अरे मजाक कर रहा था। इमरान, तो इमरान भी है साथ में। और एक जो सबसे मतलब किमियागिरी जिसे बोलते हैं ना, ग्रुप में एक बंदा रहता है जो मतलब थोड़ा इलास्टिक टाइप का होता है, जिसको हर जगह वो फिट होने की कोशिश करता है, तो वो बंदा है ये के बाबू। अखिलेश यादव नहीं यार, के बाबू। चुनाव का टाइम है, फर्जी नाम ना लो, नहीं ठोक दिए जाओगे। तो ये के बाबू है। और एक चीज और, जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी गुरु के जो है माहौल टाइट नहीं होता है, माहौल अच्छे से बन नहीं पाता है, तो एक गुरु भी मैंने रखा हुआ है, अपना गुरु या हम लोगों के गुरुवर हैं, मिस्टर आदेश कुमार सिंह, भीष्म पितामह जी से बोल सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों रूम है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारा रूम है, ये क्यूबकैट मीडिया का लोगो वगैरह भी लगा हुआ है। तो हम बस अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं सिंगापुर मॉल। अरे मतलब सिंगापुर नहीं, सिंगापुर मॉल हैनीमैन, वहां पहुंचेंगे और मूवी देखेंगे। और उसके बाद में मूवी के एक्सपीरियंस भी बताते रहेंगे आपसे कि कैसा है। इन लोगों के रिएक्शन तो मैं जरूर रिकॉर्ड करने वाला हूं, उसमें कोई दो राय नहीं कि कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। तो गाइज चलो निकलते हैं फिर। चल बेटा उठा, सिनेमा हॉल पहुंच गए हैं और बस इंतज़ार है तो विमल और आदेश का। हम गेट पे पहुंचने वाले हैं और पूरा बंदे लोग बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के आ गए। हमने भी कपड़े चेंज कर लिए, थोड़े ठंडी मुझे ज़्यादा लगती है इस वजह से। ये देखो भावुक हैं कपड़े बिल्कुल। हालांकि एम आई ग्रो बिग बाजार पी वी आर सिंगापुर मॉल पहुंच गए हैं। बस आ जाए भाई लोग, बस निकलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो भैया, मॉल के अंदर एंट्री हो चुकी है। सिंगापुर मॉल लगभग सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, अंदर कुछ ही एक खुली है, क्योंकि रात में 11 बजे से इधर लॉकडाउन, काफी शॉप्स बंद हैं। थोड़ी बहुत नीचे की हैं बस ओपन। तो हम तब तक चल के टिकट्स बाय कर लेते हैं। मेरा नवा गिरा, पूरा मजा लेता हुआ अपना। ये इमरान का गुस्से वाला रूप है। अच्छा विमल का दोस्त है, देखो विमल ये क्या बोल रहा है, किसका दोस्त है ये? विमल का है, विमल भाई का है, विमल का दोस्त है। पहुंच गए हम लोग पीवीआर और अब टिकट्स लेने जा रहे हैं। कितने, 5 लोग हैं ना? हाँ 5 दे दो उसके पुष्पा भैया, नंबर पे टिकट आएगा मैसेज पे। तो भैया यहाँ ये बढ़िया फैसिलिटी है कि डोंट टच वाला, कि टिकट आपके नंबर पे आ जाएगा, आपके पास कोई भी
मतलब हार्ड कॉपी ये नहीं देंगे, समझ गए ना? तो अभी टिकट आ जाएगा, हम चलते हैं तब तक एंट्री की तरफ, वीवीआर की एंट्री की तरफ। तो भैया सभी के सभी पांच के पांचों पहुंच गए, पांच के पांचों पहुंच गए, तो अब स्टार्ट होने जा रहा है हम लोगों का शो। चलो आ जाओ। तो स्टार्ट होने जा रहा है, पांच के पांचों हैं मेरे बंदे, मेरे भाई लोग, मेरी जान जिगर दे छल्ले, तो अभी चल रहे हैं। अब इसके बाद में लेकिन ट्रिपल आर जरूर देखेंगे, ट्रिपल आर की तैयारी है इसके बाद में। ये रहे बंदे। हाफ ब्रेक हो गया है और बच्चा लोग बताओ कैसा लगा? बहुत गजब, एक नंबर। पुष्पा जो है, पुष्पा मूवी हम लोग देख रहे थे, नंबर एक पैसा वसूल। खासकर अब ये ना कर देना कि लाल चंदन की लकड़ी कंप्लीट करने लगा, बाकी पैसा वसूल था। बहुत गजब की मूवी यार, मस्त, मजा आ गया, नंबर एक। फाइनली मूवी एंड हो गई और सबके जुबान पर बस एक ही नाम, मजा आया भाई, अर्जुन अल्लू, मजा आया भाई, गजब की मूवी थी।